पोकेमोन लेजेंड जेड है। ये एक ऐसा गेम है जिसका पोकेमोन फैंस 3 साल से वेट कर रहे थे, क्योंकि ये गेम में ऑफिशियल पोकेमोन के मेकर सातोशी ताजी ने पोकेमोन लेजेंड जेड में टोटल 15 मिलियन इन्वेस्ट किया था। और पोकेमोन जेड वही गेम है जो कंप्लीट होने के बाद भी उसका ट्रेलर तो नहीं बट एक अनाउंसमेंट ट्रेलर आया था, जिसमें पोकेमोन लेजेंड जेड कैसे बन रहा था और साथ ही पोकेमोन लेजेंड जेड का ग्राफिक का एक झलक भी दिखाया था, जिसको देखने के बाद किसी और का तो नहीं पता बट हमको ये गेम खेलने का एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन तुम सब पोकेमोन लेजेंड जेड का अभी तक अनाउंसमेंट ट्रेलर नहीं देखे होगे तो अभी देखो। तो आप तो पता चल ही गया होगा कि हमको ये गेम खेलने का एक्साइटमेंट क्यों है। और पोकेमोन लेजेंड जेड को बनाया गेम फिक ने, जिसने पोकेमोन लेजेंड जेड के साथ 50 प्लस पोकेमोन्स के गेम बनाया है, जिसमें से इनका लेटेस्ट गेम पोकेमोन जेड ही है। और तुम सबको ये गेम कहाँ खेलने को मिलेगा, तो ये ड्रैगन बॉल स्पार्किंग जीरो या सोल लेवलिंग या स्पाइडरमैन गेट वेब की तरह PS5 या PS4 में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गेम बस निंटेंडो स्विच में तुम सबको खेलने को मिलेगा। और तुम सब ये मत समझना कि पोकेमोन लेजेंड जेड कोई फ्री गेम है, इसको अगर तुम सबको खेलना है तो $60 पे करना होगा। और तुम सबको पता होगा कि पोकेमोन लेजेंड जेड एक एडवेंचर गेम, और एडवेंचर गेम को खेलने का मजा सिर्फ मोबाइल के स्क्रीन में आता है, और निंटेंडो स्विच का स्क्रीन मोबाइल जितना ही है। और ये गेम अगर तुम सबको PS5 में खेलने को मिलता तो तुम में से बहुत लोग ये गेम को नहीं खेलते, क्योंकि जैसे सोलो लेवलिंग राइज PC मोबाइल एंड PS5 में आया था तो बहुत लोग उसमें से सिर्फ मोबाइल और PC में सोलो लेवलिंग राइज को खेलना ज्यादा प्रीफर किए थे, और यही बात पोकेमोन लेजेंड जेड पे भी अप्लाई होता है। लेकिन तब भी पोकेमोन लेजेंड जेड को आने में बहुत टाइम है, क्योंकि पोकेमोन लेजेंड जेड 2025 में लॉन्च होगा, बट कौन सा मंथ या कौन सा डेट ये तो कंफर्म नहीं है। लेकिन इतना कंफर्म है कि ये गेम 2025 में लॉन्च होगा। और अभी तो पोकेमोन लेजेंड जेड का अनाउंसमेंट हुआ है लेकिन अभी ट्रेलर नहीं आया है, तो तुम सब वेट करो इस गेम के ट्रेलर का। लेकिन इसका ट्रेलर जब आएगा तब तुम सब देख लेना इस गेम का ग्राफिक और स्टोरी। तो चलो, हमको जितना पता था पोकेमोन लेजेंड जेड के बारे में उतना हम तुम सबको बता दिए है, लेकिन अभी भी तुम सबको कोई रीजन चाहिए ये गेम को खेलने का तो तुम सब पोकेमोन लेजेंड को इतना सा समझो कि ये गेम एक फुल ऑन एंजॉयमेंट गेम है और इसमें बाकी गेम की तरह 18 प्लस सीन में नहीं है। तो अभी तुम सब समझ जाओ कि पोकेमोन लेजेंड्स कोई नॉर्मल एडवेंचर गेम नहीं है। इस गेम में आप सबको स्टोरी साथ पोकेमोन्स को भी अपने पोकेबॉल में पकड़ना होगा। लेकिन चलो, हमको जितना बताना था पोकेमोन लेजेंड्स के बारे में उतना हम तुम सबको बता दिया। अब तो तुम सब पे है कि तुम सबको ये गेम खेलना है कि नहीं। और अगर अभी भी कुछ डाउट होगा पोकेमोन लेजेंड्स के बारे में तो कमेंट कर देना।